हरे राम कृष्णा। कलकत्ता से किशन दागानी, एस्ट्रो KPR। आज मैं आपको शनि और मंगल की अगर युक्ति, आपकी कुंडली खोलो, शनि मंगल दोनों एक साथ कहीं बैठे हुए दिखें तो इसको हम बुरा योग मानते हैं। शास्त्रों में इसको बुरा योग माना गया है। क्या ये दो अलग प्रकृति के ग्रह हैं? शनि में शांति, उदासीनता, धैर्य, धीरे धीरे काम करना, ऐसे स्लो प्लेनेट है। और मंगल है क्या? अभी खाऊं, आर्मी मैन, अभी कब्जा करना, आज अभी इसी वक्त क्रोध और तत्परता। ये इसको हम लोग शास्त्रों में ज्वालामुखी या डायनामाइट पर्सनैलिटी बोलते हैं। मंगल गर्म, शनि ठंडा, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड कह सकते हो आप। माना ये एक असहज कॉम्बिनेशन है। अगर कुंडली में आ जाए तो जातक की जीवन झंड हो जाता है, परेशानियों से घिरा रहता है। जातक काम करेगा तो सोचेगा कुछ, करेगा कुछ और हो जाएगा कुछ। जिंदगी में चलते चलते अचानक दुर्घटना है या कोई आकस्मिक फोर्सफुल चेंज का उसको सामना करना पड़ेगा। अभी अभी बैठा है, अभी अभी कहाँ, ऐसे जैसे डायनामाइट फटता है ना, अचानक उसके सामने ऐसी परिस्थिति होगी, वो उससे प्रभावित हो जाएगा। माना जीवन में अचानकता अपना रंग दिखाती है इस आदमी को। और इनकी ज़्यादातर मृत्यु भी है ना, बंदूक, तोप, गोली, विस्फोट, खाई में बस गिरना, प्लेन क्रैश होना, उसमें होती है। और दुर्घटनाओं में ही मृत्यु हो जाती है, पहाड़ी से गिर जाना, दसवीं मंजिल से गिर जाना, खुद गिरा देना। इनकी योजनाओं में की भी कोई अंत पार नहीं होता है। अचानक योजनाएं बनेंगे, अचानक सफल होगी, अचानक असफल हो जाएगी। और इनकी ज़िंदगी एक धीरे धीरे संभल कर चलने वाले इंसान की प्रकृति की हो जाती है। जिसके घर में ये योग हो जाता ना, वो आदमी आप हुआ ना, आप, मैंने रिसर्च में देखा है, वो आदमी जो चलते हुए ना, जिनका कंधा नीचे होता है और हाथ में बहुत फुर्ती होती है, ऐसे चलने वाले इंसानों में ये योग पाया गया है। शनि मंगल, उदासीनता और फुर्ती दोनों। और अचानक परिस्थिति इनकी बदल जाती है, चलते चलते इनको कोई बड़ा रोग लग जाएगा, उजागर हो जाएगा नया रोग। मेरे एक मित्र थे, वो बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल आराम से हम लोग करते थे, साथ था हमारा ज़िंदगी का। एक रोज अचानक उनकी जीप पे एक छाला निकला, काया पलट उसी कुंडली में मंगल। मैंने उसको कहा था, यार ये विस्फोट होता है, विस्फोट कैसे भी, शरीर में हो या पूरे शरीर में हो, उजागर। उनको कैंसर निकली, विद इन 21 days ही डाइट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनकी गुप्त बीमारियां उजागर होते हैं। और ये योग है ना, मैंने देखा है भाई मेरे रिसर्च में, कि छठे घर में दुख, प्रतियोगिता, दासता, ऋण रोग, शत्रु, छठ रिपु वाले घर में अगर ये बन जाए ना मंगल शनि, तो ऐसे इंसानों की अचानक मृत्यु तक देखी गई है। क्या मंगल होता है? पराक्रम, हड़बड़ी। शनि है धीरे धीरे, इसलिए इस जातक के अच्छे वकील होने की भी संभावना होती है। पराक्रमी, धीरे धीरे न्याय दिलाएगा। ये वकील बहुत अच्छे होते हैं मंगल शनि वाले, और ये न्याय के लिए आते हैं, पराक्रम करते हैं दुनिया में, धर्म संस्थापना धारण वाले होते हैं। मंगल पराक्रमी है, सेना अधिकारी, और ये प्लान करके, अचानक पराक्रम करके युद्ध जीतने वाले इंसान होते हैं। मोस्टली ये कॉम्बिनेशन आर्मी में दिखती है, आर्मी मेंस में ये कॉम्बिनेशन आपको दिखेगी। और शत्रु जीत होते हैं, ये पुलिस, आर्मी में बड़े पदों पर, हाकिम तो गरम, उस जगह पर आपको स्थापित दिखेंगे। आशा है आपका ये संज्ञान आज का, देखो आपकी कुंडली में अगर है, 100% ऐसे होगा। आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो, कोई परेशानी हो, कोई बात बिगड़ी हुई हो, आप
6282697649 पे कॉल करके व्हाट्सएप में, इट इज़ ऑल पेएबल, इनबॉक्स इज पेएबल, प्लीज़ ये ध्यान रखें, ठीक है। और वीडियो कॉल ना करें, आई डोंट टेक वीडियो कॉल्स, मैक्सिमम ऑडियो कॉल्स और चैट इन व्हाट्सएप। प्लीज़ टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।